काम चल लीजिए गिरे हुए खानदान की हमारी तो नाक ही कटवा दी क्या किया इसके बाप ने भगा इसको चल यहां से भाग भाग बाहर भगा इसको कभी बोलती है 50,000 रुपये अब तक भेजे 2 साल हो गए ना तो तेरा बच्चा हुआ ना तू कोई खुशी दे सके इस घर में कर क्या रही है तू और तेरा काम क्या है यहाँ पर पापा जितनी बार जाती है मेरे से लेके जाती है लेके क्या आती है तू ये बता बाहर कर कभी बोलती है मेरे भाई को बाइक दे कभी बोलती है मेरे भाई को बाइक दे बच्चा नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती है क्या मेरी गलती है क्या इसमें अरे किसी की कोई गलती नहीं है हमारे भाग्यों की गलती है मेरी किस्मत खराब थी और मेरे बेटे की किस्मत खराब थी इसको बाहर कर 50,000 रुपए लेकर आए थे यहाँ ये मनु शक्ल मत दिखाना हमारे को सुमित लग रही है मेरे पापा जी इनको बोलो ना मेरे को दर्द हो रहा है मुझे पापा जी मत बोलना अपने उस हरामी बाप को पापा जी बोलियो अरे 50,000 ही तो मांगे देखो कैसा हीरा सा बेटा था हमारा हमारे घर में खुशियां नहीं आई और जब से तू आई है तब से बेड़ा गर्क हो गया इस घर का चल जा से बाप मेरा बाप गरीब कहां से देगा तो गरीब हमारी गलती है क्या सुमित उसको बाहर निकाल नहीं तेरे बाप ने तेरे भाई को बाइक दिला जब गरीब नहीं था वो पापा मर जाएंगे अगर उन्हें पता चलेगा ये सब हो रहा है मेरे साथ अरे चाहे तू मर चाहे तेरा बाप मरे कोई भी मरे हमारे को पैसे चाहिए नहीं तो इस घर में तभी रह सकते 50,000 लेके आए मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी मुझे निकाल अरे पड़ी रहेगी ये कोई रात भर लेके पड़ी रहेगी बाहर निकाल इसको सुमित लग रही है मेरे सुमित अब ये मनु शक्ल तभी दिखाना जब 50,000 ये क्या है समझ गई क्या कर रहे हो शर्म नहीं आ रही क्या हो गया ओए तेरा क्या चक्कर है कौन है तू चक्कर क्या है पड़ोसी हूँ मैं इंसानियत के नाते आप क्या कर रहे हो ऐसे ही हमारे घर का मैटर है आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं तो घर का सभी का होता है लेकिन ऐसे कोई व्यवहार करता है अरे क्या हो गया आपको क्या दिक्कत है ये बताओ ना ये हमारे घर की बात ये हमारे घर की बात है आप क्यों मुझे बीच में बोलने वाले ये हमारे लड़के की मिसिज है हाँ फिर मुझे पता है हाँ तो पता है मुझे आपका भी पता है इसका भी पता है और इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो वो भी पता है तो पता क्या, है क्या कर दिया हमारे घर की बात है हम घर पे कुछ भी करे तुम्हारा कोई मैटर नहीं होता जैसे आउट हो जाओ मेरे ख्याल से आपके घर में कोई बिटिया नहीं है नहीं बिटिया नहीं है बिटिया भी है ना बिटिया होती तो पता चलता भाई साहब क्यों मार रहे हो क्यों मेरी वाइफ मारूंगा तो तुम कौन हो किसी की बेटी भी है किसी की बेटी भी होगी किसी की बेटी क्या करूँ समझ में ये कोई इंसानियत नहीं है इंसानियत नहीं है इंसानियत सीखेगा आप जाओ यहाँ से कौन से आप यहाँ से नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा क्यों नहीं जाओगे ये हमारे घर का मैटर है हम तो इसको मारे काटे कुछ भी करें बिटिया तू चुप क्यों है थप्पड़ का जवाब क्यों नहीं दे रही तू जानवर नहीं हो पड़ोसियों के कैसे बोलने लगी है और कहती चली जाए यहाँ से नजर मत है 50,000 जब तक नहीं लेके आएगी इस घर में मत घुस जाइए कर रहे हो कमा के खिलाओ ना इसको कमा के खिला रहे हमारे 100 मीटर है क्या 100 मीटर है अरे बगैर कमाई बना दिए क्या मकान कौन है ये बगैर कमाई बना दिए क्या लड़की के घर के पैसों से बनाओगे क्या अपनी मेहनत हम कुछ भी करें तो आप कौन होते हो कौन है आप कौन होते हो मैं इंसान हूँ मेरी भी बिटिया है आई समझ में मैंने भी शादी कर क्या सुन ले रही क्या सुन ले रही यहाँ से चली जा बस नहीं इसकी सुन ले सब ज्यादा आपको दया आ रही है ना तो इस आइटम को अपने घर ले जाओ ले आउट यहाँ से सुमित आ जाओ अंदर आ जाओ सुमित छोड़ इसको छोड़ अरे सुमित छोड़ चल आ जाओ तू मेरे साथ हमने इसकी जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं इसकी और यहाँ घर पर वापस मत आइयो चल बेटा आज घबरा क्यों रही है मैं हूं ना बेटा खोल ना दरवाजा तुम्हारे बाबूजी कहाँ है क्या काम मेरे बाबूजी अरे काम है एक बार ले क्या बुलाओ उनको अरे कौन है बाबूजी एक बार हाँ बोल भाई हाँ जी आइयो संदीप जी नमस्कार इनको जानते होंगे हाँ जानता हूँ मैं इनको गरीब आदमी क्या करने आए तू यहाँ पे उनको भी जानते होंगे हाँ जानता हूँ मैं इनको भी जानता हूँ कितने पैसे ले रहे हो आप मेरे पास तो बहुत करोड़ों रुपए पड़े हैं तेरे जैसे करोड़पति है ना हाँ वो कोर्टों में खाली हो चुके हैं पता है इस बात का वो देखी जाएगी 50,000 ले वो 50,000 इस बात के 50,000 ये बताओ ना 50,000 की कमिटमेंट थी हमारी इनके साथ आपने ले रखे है क्या 50,000 रुपए मैंने कुछ नहीं ले रखा भाई साहब समझी जी इतना जुल्म मत करो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ तो गरीब आदमी अरे जब रिश्ता किया था जब इतनी बड़ी बड़ी डींगे हुआ करा था तू ओडी गाडी देंगे ये देंगे वो दे कहाँ है वो अरे 50,000 ही मांगा ना तुम्हारे से तो मेरे पास नहीं मैं कहाँ से दूँ आप समझ दीजिए मुझे गरीब आदमी पांच बेटी को ना लेके जा हमारे खबरदार खबरदार अगर मेरी बेटी को मत बोला तो
मेरे मुंह के सामने, मेरे मुंह के ऊपर तुम मेरी बेटी को गाली दे रहे हो? अरे शर्मानी चाहिए तुम्हें? जिस आदमी ने तुम्हारे को अपने घर की लक्ष्मी दे दी, अपनी बेटी दे दी, उससे तुम दहेज मांगते हो? तुम्हें शर्मानी चाहिए? ये मेरी बेटी है, ये मेरा गुरूर है, अभी मां ने मेरा गुमान है ये, और मैंने इसको अपने घर से निकाल कर, मैंने अपने घर से मनी अपनी तिजोरी से निकाल के अपना एक कोई नूर गई तुम्हें दे दिया, और आज तुम इसको परेशान करते हो, इसके ऊपर अत्याचार करते हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें? अरे तुम भिखारी हो, दिल से गरीब आदमी होता है और दिल से ही अमीर होता है। अरे तुमसे अमीर तो मैं हूं, गरीब होते हुए भी मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, और तुम इतना सब कुछ होते हो अभी अपने बेटे के लिए भीख मांगते हो? अरे अपनी बेटी, अपने बच्चे तुमने पैदा कर लिए, उसकी परवरिश करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास जाओ चला के ऊपर इनको लेके बैठ जाओ, भीख मांगने लग जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें? किसको डरा रहे तू? मुझे डरा रहा है? मैं डर गया मैं डर गया। ऐसा भाई साहब सुनो, 50,000 की कमिटमेंट है, 50,000 दे जाओ और इसको रख लेंगे। अरे ये है क्या, मेरे बेटे ने कोई गलत नहीं बोला? अरे मैं गर्भ में खुशी दी ही क्या है? मैं बोलता हूं 5 है तेरी बेटी, 5। क्या कहा मुझे 5? जरूरी तो नहीं एक औरत में ही कमी हो, मर्द में भी तो कमी हो सकती है ना। और नहीं रहना मुझे तुम जैसे लोगों के साथ। पापा मुझे यहाँ से लेके चलो। अरे जो लोग बहु बेटियों की मान सम्मान इज्जत करना नहीं जानते हो, उन लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती पापा। सुना, सुन लिया अपने कानों से? और तुम क्या सोचते हो, मुझे पता है तुम्हारी आवाज इतनी तेज क्यों थी। तुम सोचते हो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है? अरे तुमने जब जब भी मेरी बेटी से जितना जितना पैसा मांगा है ना, वो सारी की सारी फोन कॉल रिकॉर्डिंग मेरे आज भी पास है, ठीक है? और जब भी मैंने पैसा निकलवा के बैंक से तुम्हारे को दिया ना, मेरे पासबुक की हर वो फोटोकॉपी मैंने अपनी फाइल के अंदर लगा के रखी है। तुम्हारे गुनाहों के इतनी बड़ी फाइल तैयार कर रखी है मैंने, जो मैं कोर्ट में दूंगा ना, धरती के तख्ते के ऊपर कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारी सजा को रोक दे। अब मैं बताऊंगा तुम्हें, जब तुम जेल में सड़ोगे और तुम्हें 20 साल की लगेगी, तुम तो मर के वहां से निकलोगे और तुम्हारा बेटा वहां से बूढ़ा होकर निकलेगा, जब तुम्हें याद आएगी कि तुमने क्या गलत किया। क्या कह रहे हैं भाई साहब, अपने सारी कॉल रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड कर ली। अरे भाई साहब समझाओ ना इसको, तो एक लौता बेटा है, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और तू हराम खो कमाने का ना दमाने का, 50,000 ससुराल चाहेंगे जब रखूंगा। भाई साहब देखो गलती हो रखी है हमारे साहब। बात सुनो, हाँ जी, पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत, हाँ जी, सब कुछ यहाँ रह जाएंगे। आप आज इस मकान में रह रहे हो, हाँ जी, कल कोई और रहता था, परसों कोई और रहेगा, हम सब किराएदार हैं यहाँ पर, और झगड़ा किस चीज़ का, जर जरूर और जमीन, यही है ना, हैं? आपके पास 2 पैसे ज़्यादा हैं, इनके पास 2 पैसे कम हैं, इसीलिए आपने इनसे पैसे भी मांग लिए, पैसे नहीं दे पाया, इस बिटिया को उस बिटिया को सिर्फ और सिर्फ ससुराल के दुखों के कारण अपने घर बैठना पड़ा। आपको तो पता ही होगा ना मेरी बिटिया का। मुझे पता है सर, भाई साहब पूरा पता है मुझे, कल मैंने आपसे यही बातें की थी और आज फिर वही बातें कर रहा हूँ। क्या होगा, ये इधर से केस कर देंगे, आप इधर से केस कर दोगे, इधर से ये वकील कर देंगे, उधर से आप वकील कर दोगे, हैं? दोनों तरफ से पैसे खर्च हुए और आखिर में अदालत में सिर्फ एक ही फैसला होगा और वो फैसला होगा तलाक, ठीक है? आपका बेटा अपने घर बैठ जाएगा और ये बिटिया मेरी बिटिया की तरह अपने घर बैठ जाएगी। फिर हर बाप ये सोचेगा कि मैं बिटिया की दूसरी शादी तो कर दूं, लेकिन कहीं इससे भी ज्यादा निकम्मा लड़का मिल गया तो, इससे भी गंदी ससुराल मिल गई तो। हर बाप डर रहा है, जिस बाप की बेटी है ना वो डर रहा है, क्योंकि कलयुग माहौल इतना गंदा माहौल हो चुका है कि जिसकी अपनी बेटी है ना उसको जिंदगी गुजारने में बहुत दिक्कतें हो रही है। इसने बेचारे ने जैसे तैसे करके उस बिटिया की शादी की, कितने अरमान सजोए होंगे उस बिटिया ने कि मेरी शादी होगी, मैं ससुराल में जाऊंगी, खुश रहूंगी, और आपने क्या दिया, आंसू? अरे भाई साहब मैं मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कपूर साहब और आपसे भी मोहन जी, हो सके तो इस लड़ाई को अपने घर पर ही खत्म कर लो, वरना अदालत के अंदर हजारों केस और हजारों मुकदमे चले हुए हैं जिनके फैसले 20-20 साल हो गए अभी तक नहीं हुए हैं। अरे बाप कब तक अपने बिटिया को अपने घर पर रखेगा? बुजुर्ग कहते थे बिटिया तो होता ही पराया धन है, अरे कहाँ है वो पराया धन, हमारे घर वो इनके घर। अब सब मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे भाई साहब बस, बाप को होने से रोक लीजिए। रोक दिया, रोक दिया। अरे भाई साहब मेरे बिल्कुल बात समझ में आ गई,
हमारे जैसे लोग इस समाज पर एक काला टीका है। मोहन जी भाई, तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे, लेकिन मैं बहुत छोटा। आप बात मत जोड़िए, एक बात देखिए, आखिर हूँ तो मैं एक बेटी का बाप, और हाथ बेटी का बाप जोड़ता है। आप हाथ मत जोड़िए, हाथ मैं जोड़ूंगा। और बेटा, तुम मेरी बेटी है और बेटी बन के रहेगी। कपूर साहब, अगर ये आपको बाप मानती है ना, तो आपका भी फर्ज है इसको बेटी मानने का। चल बेटा अंदर चल, और आराम खोर, कल से अपना ड्यूटी पे जाएगा तू। अगर घर पे नजर आए तो ले जा। आज आप लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। आ जाओ भाई साहब, अंदर चलो, चाय पियो। आ जाओ, आ जाओ बेटा अंकल जी, आइए।